बाद में लेके चलने वाला हूँ आपको जयपुर के हिडन वाटरफॉल के ऊपर, और आपको जो जयपुर की वैष्णो देवी है वहाँ के भी दर्शन कराने वाला हूँ। तो तालाब देख सकते हो और इस टाइप का यहाँ पे कुछ व्यू है, और यहाँ पे आप चाहो तो यहीं पे भी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो आपकी, या फिर आप आगे लेके जाना है। लूटी में शायद नहीं चलाऊंगा, और हमारे पीछे आप देख सकते हो तो ये काले हनुमान जी का मंदिर है। बाकी हमारा एक माता का मंदिर है, और ये भी पीछे हमारे झंडा बह रहा है, तो जिसका हमको इंतजार था। तो ये देखिए जयपुर को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हरे महादेव। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। तो आज मैं लेके चलने वाला हूँ आपको जयपुर के हिडन वाटरफॉल के ऊपर, और आपको जो जयपुर की वैष्णो देवी है वहाँ के भी दर्शन कराने वाला हूँ। तो अभी मेरे सामने पीछे देख सकते हैं आप, तो ये है जलमहल का व्यू यहाँ से, और हम चलने वाले हैं। तो जलमहल से आप आते हो तो जलमहल से थोड़ा सा आगे चल के आपको लेफ्ट साइड घूमना है। मैं आपको लोकेशन भी जो हम जा रहे हैं वहाँ के लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको आगे हम। तो जैसे आप जलमहल से थोड़ा सा आगे आते हो आपको शायद आधा किलोमीटर भी नहीं चलना पड़ेगा, और आपको एक कट दिखाई देगा यहाँ पे एक इस टाइम महेश डॉक्टर महेश जोशी के नाम से, तो इसके कट के अंदर आपको चलना होगा। तो अभी चलते हैं हम यहाँ से, और यहाँ से जाए शायद 1 या 2 किलोमीटर के लमसम होगा। फाइनली अभी हम यहाँ आ गए हैं, और पीछे आप यहाँ एक तालाब देख सकते हो, और इस टाइप का यहाँ पे कुछ व्यू है, और यहाँ पे आप चाहो तो यहीं पे भी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो आपकी, या फिर आप आगे लेके जाना चाहते हो तो आगे लेके चल सकते हैं। और पीछे देखोगे आप तो ये पूरे पहाड़ों का व्यू देख सकते हो आप यहाँ पे लकड़ी का पंडा रख के, और ये पंडा रख के गाड़ी के पहियों के नीचे उसको ले जा सकते हैं हम पानी के अंदर से सीधा, देखो वहां तक। तो अभी चलते हैं वहां पे, मिलते हैं आपको आगे। हम आ चुके हैं साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के जंगलों में। तो पीछे भी हमने बाइक खड़ी कर दी है, आगे बाइक लेके जाना सही नहीं है। बाकी यहाँ का ये इस टाइप में रास्ता है, और पानी बहता हुआ है शायद होगा, झरना होगा शायद, है ना, बहरा होगा झरना। तो चलो चलते हैं अभी, बाकी थोड़ा यहाँ पे डिप्टन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा संभल कर चलते हैं, और ये एक अलग ही लेवल का एडवेंचर होने वाला है हमारे यहाँ पे। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको, दर्शन भी कराते हैं जयपुर की वैष्णो देवी के, और हनुमान जी महाराज के, और एक ब्यूटीफुल जो वाटरफॉल है झरना है उसके भी। तो वीडियो में बने रहिए आप, और अगर आपने अभी तक वीडियो को हमारे लाइक नहीं कराया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। और आज हमारे साथ आया है हमारा भाई खुश नामा, तो खुश ये रहा बड़ा भतीजा ये वैसे भतीजा लगता है मेरा, लेकिन है भाई की जैसे, अपने हम भाइयों की जैसे रहते हैं। तो आज इसको आया हमारे साथ, तो यहाँ का व्यू देखते हैं, अगर आगे दिखाते हैं आपको। और बाकी ये देखोगे आप नीचे तो कुछ इस टाइप का रास्ता है, और ये एक छोटा सा मंदिर शायद भैरू जी हनुमान जी का, और ये रास्ता देख सकते हैं आप, ये आप बहुत ही किचपिच किचपिच। पीछे हमने क्या यहाँ पे ले बाइक जो हमारी थी उसको लेके आना सही नहीं था, तो हमने पीछे ही छोटा मोटा झरना नाले इसके अंदर फिर ऐसे करते। तो फिलहाल हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको यहाँ की झरने, और यहाँ पर मतलब कि नहाएंगे वहेंगे नहीं हम, बाकी अगर फ्लो अच्छा होगा तो देखेंगे फिर आगे क्या सीन है। बाकी सामने का व्यू देखिए आप यार, पूरा पहाड़ी पहाड़ के अंदर
तो यार घूमने का मजा पहाड़ों में आता है। क्यों? कितना शानदार कटे है। कौन सा वहाँ पे? अच्छा पहाड़ों के बीच में, ये देखिए चांद बना हुआ। तो यार घूमने का जो मजा है ना, असली मजा नेचुरल प्लेस के ऊपर ही आता है। आर्टिफिशियल ये लोग बाग आजकल के जो है, डिस्को बार वगैरह में, पब वगैरह में इनमें घूमते हैं, तो रियल मजा कहाँ पे? मजा है नेचर। अरे भाई बाहर गलत। तो ये आग पे चलते अपन, और ये रास्ता देखिए यार कितना अलग ही अलग ही एडवेंचर का जैसे रास्ता है। और पीछे से हमें ये आ रहे हैं, हम तो चलते दिखाते हैं आपको। तो अभी अपन चलते हुए आ रहे हैं, काफ़ी मतलब कि ज़्यादा खैर नहीं, लमसम ये अपने 500 मीटर चला होगा शायद अपन ने, तो 500 मीटर आधा किलो हो गया, आधा किलोमीटर भी शायद नहीं चला होगा। और हमारे ये पीछे आप देख सकते हो, तो ये श्री वीर काले हनुमान जी का मंदिर है। बाकी इस साइड आप देखोगे तो इस साइड एक हल्का हल्का कल कल करता हुआ झरना बहता हुआ दिख जाएगा आपको इधर। बाकी मैं दिखाता हूँ एक बार मंदिर का थोड़ा सा व्यू आपको। तो ये है हमारी इधर कुछ ऐसा व्यू इस टाइप के अंदर, मंदिर है श्री वीर हनुमान जी का, तो काली हनुमान जी का देखिए आप। तो एक बार अंदर चल के अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो वीर हनुमान जी महाराज की जी, तो कुछ इस टाइप के अंदर व्यू है हनुमान जी का, ये देख सकते हैं आप। तो बजरंग बली कीजिए। तो अभी हमने दर्शन कर लिए वीर हनुमान जी के, सूर्य वीर हनुमान जी के, क्या काले हनुमान जी के। और इधर से आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ये वाटरफॉल। तो ये देखिए आप, यहाँ पर आपको कल कल करता हुआ वाटरफॉल दिख जाएगा। बाकी इधर से चलते अपन, कल परसों नहीं कल का करता हुआ। आ रहा है मजा। मजा बाद में आ गया, असली मजा बाद में आ गया। और ये अभी चलते हैं यहाँ पर, अभी ये दिखाने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पर जो अपने वैष्णो देवी मंदिर है जयपुर की, उनके दर्शन भी कराते हैं आपको। बाकी एक यहाँ पे वाटरफॉल भी है बहुत ही प्यारा सा, उसका भी व्यू मैं दिखाऊंगा अभी आपको। बाकी एक ये हल्का सा छोटा सा झरना है, ये बहता हुआ दिख जाएगा आपको, देखिए ये छोटा वाटरफॉल है यहाँ पर। और इसके बाद में एक और वाटरफॉल ऊपर, ये देखिए आता खासे पानी है, ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, पानी आ रहा है तो वहाँ पे तो ऊंचा भी है। और भी अच्छा है, तो वहाँ भी चलेंगे है ना। तो ये मंदिर है, तो देख लो क्या लिख रखा है इस पे। तो चलते एक बार माता के दर्शन करते हैं यहाँ पे। ये शिव मंदिर है एक यहाँ पर, तो इस टाइप का व्यू है। हाँ जूते तो खोल के आया ना यार। एक ये शिव भगवान के यहाँ पर मंदिर है। ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव। तो चलते हैं एक बार दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पर हमारे बजरंगबली जी है और सामने पहाड़ियाँ कुछ इस टाइप में। तो ये था हमारे पीछे शिव भगवान का मंदिर। और क्या चीज़ कोई तो कुछ घोट वगैरह के लिए कुछ भी प्रोग्राम करते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे है अवेलेबल। तो अभी चलते हैं यहाँ से हर हर महादेव। तो ये जयपुर की मतलब ये अलग ही हिडन ब्यूटी है, तो कभी एक्सप्लोर करने का मौका मिले तो आइए। मैंने बता ही दिया एड्रेस आपको, बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस जगह का। तो अभी जूते पहनते हैं अपन, जूते पहन के चलते हैं यहाँ से। तो ये देखो आप मेरे पीछे, तो कितना प्यारा वाटरफॉल है यहाँ से आता हुआ। तो अभी नहाने का विचार है भाई? नहीं नहीं है, हाँ भी नहाएगा। तो एक और वाटरफॉल पर चलेंगे अपन, तो वहाँ पर नहाते हैं, इंजॉय करते हैं। बाकी ये देखिए इससे थोड़ा सा आगे मैं चल के दिखाता हूँ आपको। तो इधर ऊपर उधर आगे वाटरफॉल बह रहा है, वहाँ पे माता का मंदिर है। तो भी मैंने आपको यहाँ दिखा दिया हिडन ब्यूटी के अंदर, जो अपने काले हनुमान जी का मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर और वैष्णो माता का मंदिर, और पीछे की साइड झरना बह रहा है, तो मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। वाह यार कितना ब्यूटीफुल वो है, मतलब एक अलग ही एडवेंचर।
एक अलग ही ट्रैकिंग करते हुए आए हम। और सामने देखोगे तो ये माता जी का मंदिर है, वैष्णो देवी माता का मंदिर, जो जयपुर की वैष्णो देवी है उनका, ठीक है। और ये देख लीजिए व्यू एक बार आप यहाँ पे, और ये देखिए इधर वाटरफॉल यार कितना, ये पूरा वाटरफॉल है यहाँ पर। और ये एक वैष्णो देवी माता का मंदिर है इधर, एक ये देखिए ये यहाँ की वैष्णो देवी की माता का मंदिर है, माता जी का इस टाइप के अंदर, ये दर्शन कर लीजिए आप अभी आगे अंदर जाके देखें। और ये है यहाँ पर वाटरफॉल बहुत ही सुंदर, ये देखिए। तो फाइनली अभी हम आ गए हैं यहाँ पर झरने के पीछे, और ये पीछे हमारा एक कुछ माता का मंदिर है, और ये भी पीछे हमारे झरना बह रहा है, तो जिसका हमको इंतजार था। तो ये देखिए पीछे का व्यू यहाँ पर कितना प्यारा झरना बह रहा है। तो अभी हम इसके अंदर जाने वाले हैं, नहाने वाले हैं, तो और कुछ बाद में चलते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। और तो अभी फिलहाल हम जाके नहा के आ गए हैं, और पीछे आप देख सकते हैं ये मेरे यहाँ पर हमारे शंकर भगवान का मंदिर है, तो यहाँ पर भी एक बार हम दर्शन करते हैं। ये कुछ इस टाइप में व्यू है यहाँ का, और ये शंकर भगवान की, और पीछे इधर देखोगे आप तो इधर हमारे माता जी का मंदिर है एक, तो वैष्णो देवी माता की यहाँ पर भी हम दिखा देता हूँ एक बार आपको दर्शन करा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप के अंदर ये खेर वाली मैया वैष्णो देवी, जो जयपुर की वैष्णो देवी बताया जाता है इनको, इनका दर्शन कर लीजिए यहाँ पर। और ये पीछे देखोगे आप तो पीछे भी एक ये है माता जी का ही मंदिर, और ये पीछे वाटरफॉल यहाँ से गिरता हुआ। तो कुछ इस तरीके से व्यू है यहाँ पर, और ये देखिए प्यारा, बहुत ही प्यारा झरना यहाँ पर बहता हुआ, हिडन वाटरफॉल ऑफ जयपुर। और कुछ इस टाइप में मंदिर है अंदर यहाँ पे, तो ये वैष्णो देवी का मंदिर देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको वाटरफॉल मिलेगा इधर से देख लीजिए। और एक बार अंदर चल के दर्शन कराता हूँ मैं यहाँ पे आपको माता के। तो ये देखिए मंदिर अंदर से माता जी का, तो कुछ ये मंदिर है यहाँ पे माता जी का, वैष्णो देवी माता का। तो यहाँ का व्यू देखिए आप कितना प्यारा है, तो ये ऊपर भी यहाँ से पानी बह रहा है हमारे, तो एक अलग ही मतलब कि ये देखिए यहाँ पे ये तीन माता जी की पिंड है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइटिंग भी अच्छी हो रखी है। और जो हमारे ये जम्मू वाली वैष्णो माता है उनका है, और ये भैरवनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर, और सामने उनका शेर है माता जी का। तो कुछ इस टाइप का व्यू देखिए आप यहाँ पे, बहुत ही सारा ये माता जी की। और अगर वीडियो को आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, माता के हमने दर्शन कराए आपको, इसी टाइप के हिडन प्लेस हम आपको दिखाएंगे, चैनल में बने ही रहिएगा। तो ये देखिए आप माता का यहाँ पे पीछे मंदिर का व्यू कुछ इस टाइप के अंदर है, ये देखिए माता जी के व्यू के अंदर आपको पूरे से ऊपर से पहाड़ी, जो पानी टपकता रहता है यहाँ से, और ये इधर कुछ आपको इस टाइप का व्यू देखने को मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं हम यहाँ से बाहर, और बाहर का भी नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो कुछ इस टाइप के अंदर देखिए, और यहाँ पे भी वाटरफॉल हो रहा है यहाँ पर। और ये देख लीजिए यहाँ का वाटरफॉल का व्यू, यहाँ पर कितना प्यारा वाटरफॉल बहता है यहाँ पे। चले तो ये आज का हमारा ब्लॉग था यहाँ पर, और अगर वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। और इसी टाइप में हिडन प्लेसेस ऑफ जयपुर को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अरे